हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीताकिनो.com। गीताकिनो.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे सूजी का हलवा, वो भी बिल्कुल नए तरीके से, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। बिल्कुल दानेदार हलवा होता है। कभी आपने प्रसाद में खाया होगा तो देखा होगा उसका टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। बिल्कुल वही हलवा आज हम घर पे बनाने वाले हैं, वो भी केसर फ्लेवर में। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा, जिसे आपको ज़रूर क्लिक करना है, ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे और आप मेरी वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। तो आइए बनाना शुरू करते हैं सूजी का हलवा। सूजी का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मोटी वाली सूजी। ये बारीक सूजी नहीं है। ये देखिए आप, बिल्कुल दाने अलग अलग नजर आ रहे हैं। ये मोटी वाली सूजी है। आप बारीक वाली भी यूज कर सकते हैं, पर मोटी वाली जो सूजी है वो ज्यादा अच्छी रहती है, उससे दाने अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 3/4 कप चीनी। चीनी आप कम ज्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। 1/2 कप देसी घी। ये 1/4 कप दूध है। मैंने 1 कप और 1/4 कप दूध लिया है। सूजी से थोड़ा सा ज़्यादा है ये, और नॉर्मल दूध है ये, गर्म दूध नहीं है। थोड़ी सी किशमिश, थोड़े से बादाम जिन्हें मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया है, थोड़े से काजू इन्हें भी मैंने बीच में से काट लिया है, थोड़े से पिस्ता इन्हें भी मैंने बारीक काट लिया है। मैंने थोड़ा सा केसर भिगो के रखा है 1 चम्मच गरम दूध में। और ये मैंने 1/2 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर लिया है। मैंने इलायची को कूट कर उसके छिलके निकाल दिए थे और उसके दाने मैंने बारीक कूट लिए हैं। अब हम गैस ऑन करके उस पे एक कढ़ाई रखेंगे। इसमें हम 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। सारा नहीं डालना है, थोड़ा सा डालेंगे, बस 1 चम्मच। और इसमें हम बादाम और काजू को फ्राई कर लेंगे करीब 1 मिनट के लिए। बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है। तो देखिए मैंने इसे 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। गैस हम बिल्कुल धीमी कर देंगे और इसे निकाल लेते हैं। फ्राई करने से बिल्कुल टेस्ट में, ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। हम इसे निकाल लेते हैं। इसमें हम थोड़ा सा घी और डालेंगे। मैं थोड़ा सा बचा लूंगी, सारा नहीं डालना है, थोड़ा सा हम बाद में डालेंगे। गैस को हम मीडियम पे रखेंगे। अब इसमें हम सूजी ऐड करेंगे। सूजी को हमें मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट भूनना है। इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल लाइट कलर ही रखना है, बस इसका कच्चापन निकल जाना चाहिए। तो हम इसे ज्यादा नहीं भूनेंगे, गैस को लो पे कर लेते हैं, लो मीडियम पे। ये देखिए मैंने इसे करीब 4 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे भून लिया है। अब इसमें हम दूध ऐड करेंगे। साथ ही इसमें हम चीनी भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ये सारा दूध सूख ना जाए। गैस को हम मीडियम पे कर देंगे और इसे भूनेंगे। इसे दूध सूखने तक हमें पकाना है। देखिए दूध हमारा सूख चुका है, हम इसमें केसर वाला दूध ऐड करेंगे।
बाकी बचा हुआ सारा घी ऐड कर देंगे और इसे अब हमें घी में अच्छे से भूनना है। इसे लगातार चलाते हुए हम घी में भूनेंगे। गैस को मैंने लो मीडियम पे ही रखा है। इसे लगातार चलाना है, नहीं तो ये चिपक सकता है। इस तरीके से हमें इसे घी में भूनना जब तक कि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से भून ना जाए और इसके दाने अलग अलग ना हो जाएं। ये देखिए मैंने सूजी को अच्छे से भून लिया है। मैंने इसमें 2 चम्मच देसी घी और ऐड किया था, मुझे कम लग रहा था, तो आप भी घी कम ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। हमें इसे अच्छे से घी में भूनना है तभी इसमें अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये काफी अच्छा भून गया है, मैंने इसे 4 से 5 मिनट तक घी में भूना है। अब इसमें हम इलायची ऐड कर देंगे, इलायची पाउडर, साथ ही इसमें हम पिस्ता भी डाल देंगे थोड़ा सा। थोड़ा सा मैंने बचा लिया है गार्निश करने के लिए। किशमिश डाल देंगे थोड़ी सी बचा लेंगे और थोड़े से काजू बादाम डाल देंगे जो हमने फ्राई किए थे, थोड़े हम बचा लेंगे ऊपर से गार्निश करने के लिए। अब इन सभी चीजों को हम मिक्स कर देंगे और ये देखिए आप देख सकते हैं साइड में घी निकलना शुरू हो जाएगा। अगर हमारा हलवा अच्छे से बन गया है तो आप देखेंगे साइड में घी निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो हम इसे मिक्स कर लेते हैं और हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। हम गैस बंद कर देंगे इसे मिक्स करने के बाद। ये हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है, बिल्कुल अलग टेस्ट आता है इसका। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी हलवा बनता है, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में बनाया है हमने। तो अब हम गैस बंद कर देंगे, इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। मैंने गैस बंद कर दी। ये देखिए हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो गया है और हम इसे ऊपर से थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं जो बचे हुए काजू बादाम थे उससे। थोड़ा सा पिस्ता भी डाल देंगे। थोड़ी सी किशमिश भी डाल देंगे और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कितना अच्छा हलवा बना है। थोड़ा सा पास से दिखाती हूँ आपको। अभी ये काफी गर्म है, ये देखिए बहुत ही अच्छा हलवा बनता है और एक एक दाने इसके बिल्कुल अलग नजर आते हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा हाथ से दिखाऊंगी। ये देखिए बिल्कुल बहुत ही अच्छा टेस्टी हलवा बनता है। आप देखिए किस तरीके से घी निकल रहा है, जैसे प्रसाद का हलवा होता है, आपने खाया होगा कभी, तो उसमें बिल्कुल एक एक दाने इसमें बिल्कुल अलग हो जाते हैं। बहुत ही टेस्टी हलवा बनता है क्योंकि इसमें हमने मोटी वाली सूजी इस्तेमाल की है। तो बहुत ही अच्छा टेस्टी हलवा तैयार हो गया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये हलवा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।